सो हे, क्या हम इरेजर से ड्राइंग कर सकते हैं? लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक व्हाइट पेपर ले रहा हूँ और मैंने मास्किंग टेप लगा दिया पेपर को स्टेबल करने के लिए। एंड देन मैंने यहाँ पे एक सैंड पेपर लिया और एक 10B पेंसिल लिया। आप चाहे तो कोई भी पेंसिल ले सकते। मैं सैंड पेपर के ऊपर पेंसिल को घिस रहा हूँ एंड देन उसका जो ग्रेफाइट निकल रहा है पाउडर फॉर्म में, उसे मैं पेपर के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ग्रेफाइट को पेपर के ऊपर प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन का यूज कर रहा हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे मोनोटोम्बो इरेजर लिया है और उससे मैं बेसिक शेप्स को सबसे पहले दे दूंगा। आज की इस ड्राइंग में हम बना रहे हैं क्यूट सा बेबी डियर। यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर दूंगा मोनोटोम्बो इरेजर से। आप चाहे तो नॉर्मल इरेजर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि है अप्सरा का आता है मैकेनिकल इरेजर। आउटलाइंस हो जाने के बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट दूंगा वही इरेजर से। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हाईलाइट्स को मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ, यानी कि मैं थोड़े थोड़े लाइंस बना रहा हूँ। नीचे के साइड भी मैं थोड़े से इरेजर से स्ट्रोक्स ही बना रहा हूँ। इस ड्राइंग को करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो इरेज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।